मौजपुर गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की परेशानियां बढ़ी। आपको बता दें कि दुबौलिया विकास खंड के अंतर्गत बंधे के दक्षिण बसे मौजपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोगों ने बताया है कि आज सुबह से बाढ़ तेजी के साथ उनके मकानों में घुस रही है, उसको लेके लोगों की मुसीबत बन गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण। का नाम क्या है? उर्मिला देवी। उर्मिला जी किस गांव से हैं? मौजपुर। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं आपको यहाँ पर? बहुत बाढ़ से दिक्कत है। अच्छा, बाढ़ का पानी आ गया है? बहुत आ गया है पानी, इधर निकलने के जगह तक नहीं है। अच्छा, तो पानी घुस रहा है पानी। तो आप लोग कैसे रहेंगे? अब कैसे बताएं, हम लोग के सुविधा कुछ चाहिए ना। कोई लेखपाल एसडीएम नहीं आया है यहाँ पर? कोई आया नहीं है? कोई नहीं। आपकी प्रशासन से क्या मांग है? हम लोग के कहूँ जगह जमीन कुछ भी दिलवाइए या तो कहो रहने की व्यवस्था दीजिए। जी जी, क्या नाम आपका? राम दर्शन जी, आप मौजपुर से हैं? हाँ, मौजपुर से। क्या दिक्कतें हो रही, ये मामला कैसे क्या हुआ, क्यों बाढ़ आई सर? ये दिन बंधा कट गया, कटान भी इस तरफ से है जी, और इन बंधा की जोन बा यहाँ जितने कर्मचारी आए कोई सुनवाई नहीं हुआ जी। सभी लोग जोन बा इन बंधा छोड़ करके जोन बा दूसरा बंधा जोन बा जाकर उधर बनवा रहे। अच्छा, मेन बंधे से अलग से एक बंधा बनवा दिए? अलग से बंधा बनवा दिए, और कह करके सब लोग गए कि आप लोगों को जमीन दिया जाएगा जोन बा बसने के लिए जी, वो भी हम लोगों को नहीं मिला। अच्छा, लेखपाल कहते हैं जोन बा की जब जमीन गर्व सभा में है ये नहीं है। अच्छा, तो हम लोग बाढ़ से जो पीड़ित हैं और कटान से भी पीड़ित हैं जी। अच्छा, कितने कितने घर होंगे इस गांव में? इसमें 10-15 घर हैं। 15 घर हैं? हाँ, 15 घर हैं। बता आरती देवी, क्या दिक्कतें हो रही हैं भैया? वो बाढ़ से परेशान है, घर अब पानी हले हले भाई भाई एकदम। अच्छा, हाँ, कहूँ ठेकान ना बा भैया। आपकी क्या मांग है सुनवाई ना? प्रशासन से क्या मांग है आपकी? अब भैया हमें रह व्यवस्था मिले चाहिए, और कहूँ हमें बढ़िया ना रहे सांसद बाटे, और हमें जगह जमीन भैया लिख पढ़ी गए कहूँ मिलत ना बाटे हमारे लोग के, कहीं की बंजर मिली तोहरे लोग का जी।